नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 35 मोबाइल में, यानी कि दोस्तों वीवो वाई 35 मोबाइल में फोटो और वीडियो को हाइड कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई भी पर्सनल फोटो और वीडियो तो उसको आप हाइड करके आप प्राइवेट कर सकते हो। आपके सिवा कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा जिस भी फोटो और वीडियो को आप हाइड कर दोगे। तो दोस्तों, फोटो और वीडियो को हाइड करने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल में ऐसा फीचर दिया गया जिससे आप फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, फोटो और वीडियो को हाइड करने के लिए आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा फाइल्स नाम से। तो फाइल्स एप्लीकेशन को आपके यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेफ फोल्डर का। तो सेफ फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सेफ फोल्डर पे क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ से पिन में अगर पासवर्ड रखना है तो पिन में, अगर पैटर्न में पासवर्ड रखना है तो पैटर्न में। तो दोस्तों, यहाँ से हम पैटर्न में रखेंगे तो पैटर्न पे क्लिक किया। अब दोस्तों, आपको जो भी पैटर्न बनाना है वो पैटर्न आपको बना लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम पैटर्न बना लेते हैं। बनाने के बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से कंफर्म करेंगे सेम वही पैटर्न कंफर्म का यहाँ पे करने के बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सक्सेसफुली आपके मोबाइल में वो पैटर्न बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे गो टू इट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों, आपको अगर फोटो हाइड करना है तो यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आएगा, इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इमेजेस पे क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जितना भी फोटो रहेगा वो सारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। जिस फोटो को आपको हाइड करना है उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए हम यहाँ से ये वाला फोटो हाइड करेंगे। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिखेगा, थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी पैटर्न बनाया हुआ था वो पैटर्न आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे वो पैटर्न आप यहाँ पे डालोगे तो सक्सेसफुली आपकी ये फोटो हाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही बात फोटो को हाइड करने की। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो हाइड करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा वीडियो हाइड करने का। आप दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी वीडियो रहेंगे वो सारे वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। जिस वीडियो को आपको हाइड करना है उस वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, उदाहरण के हम ये वाला वीडियो हाइड करेंगे, तो इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिखेगा, थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ से आपने जो भी पैटर्न बनाया हुआ था वो पैटर्न आपको यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद आपका ये सक्सेसफुली वीडियो भी हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इस तरह से आप फोटो और वीडियो को हाइड कर पाओगे। तो दोस्तों, ये रही बात फोटो और वीडियो को हाइड करने की। अब दोस्तों, अगर आपका मन हुआ फोटो और वीडियो देखने का तो देखेंगे ऐसे। तो दोस्तों, देखने के लिए आपको फिर से अपना फाइल्स ओपन करना है। फाइल्स ओपन करने के बाद आपको सेव फोल्डर में आ जाना है। इसमें आने के बाद आपने जो भी पैटर्न बनाया हुआ था वो पैटर्न आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपकी यहाँ पे जो भी फोटो वीडियो हाइड किया रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप वीवो वाई 35 मोबाइल में फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।